हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट देखिएगा, हमारा ये ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक चल रहा है और आज इसमें हम डिस्कस करेंगे लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज़। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा ये। देखिए इसमें आज हम आपको कुछ इसका बेसिक फंडामेंटल समझाएंगे। देखिएगा स्टूडेंट, सपोज़ लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, हम यहाँ डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का लॉगरिथम, ठीक है ना। तो स्टूडेंट देखिए, थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको इसमें समझाता हूँ। जैसे सपोज़ e टू पावर में आपका इस फॉर्म में लिखा हुआ x टू पावर x प्लस आई वाई इक्वल्स टू यू प्लस आई वी, दोनों ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। तो हमने क्या, अगर आप देखिएगा, बोथ साइड लॉग कंसीडर कर लिया, ठीक है ना। ये लॉग कंसीडर किया तो देखिएगा, इधर इस साइड में भी लॉग कंसीडर किया, तो लॉग की प्रॉपर्टी से आप लिख सकते हैं x प्लस आई वाई इक्वल्स टू लॉग u प्लस आई वी, ठीक है। तो आप यहां पर क्या कहेंगे, लिखिएगा देन x प्लस आई वाई, तो x प्लस आई वाई इज कॉल्ड, ये ना x प्लस आई वाई जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, ये क्या कहलाएगा, लॉगार्थम, किसका लॉगार्थम कहलाएगा, ऑफ u प्लस आई वी का, जो दूसरा कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी क्या हमारा, u प्लस आई वी। देखो लिखा हुआ ना x प्लस आई वाई इक्वल टू लॉग u प्लस आई वी, तो हम इस केस में कहेंगे कि ये x प्लस आई वाई हमारा लॉगार्थम है, किस क्वांटिटी का लॉगार्थम है, u प्लस आई वी। तो स्टूडेंट देखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो वैल्यू हमने स्मॉल लॉग में निकाली है, इस वैल्यू को तो हम प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। सपोज अब आपसे ये कहा जाए द जनरल वैल्यू, ठीक ना, जनरल वैल्यूज के बारे में कहा जाए, तो जनरल वैल्यूज को स्टूडेंट देखिएगा कैपिटल लॉग से आप डिनोट करते हैं। तो सपोज जैसे आपसे ये कहा जाए कि भाई लॉगरिथम जनरल वैल्यू निकालिए आप यू प्लस आई वी, तो कैपिटल लॉग से हम इसको डिनोट करते हैं। तो इस वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, टू एन पाई आई, इसमें ना प्रिंसिपल वैल्यू को आप ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी जनरल वैल्यू आ गई है, ठीक है स्टूडेंट। देखिएगा ये जो वैल्यू है, ये आपकी कैसी वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो वैल्यू है, ये कैसी वैल्यू आपकी, जनरल वैल्यू, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा आप स्टूडेंट। देखिएगा नेक्स्ट हमारा आर्टिकल आता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले का मैं यहां डेरिवेशन कर रहा हूं। देखिए क्या लिखा है, टू सेपरेट लॉग एक्स प्लस आई वाई एंड कैपिटल लॉग एक्स प्लस आई वाई इंटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। देखिए ये प्रिंसिपल वैल्यू है, ये जनरल वैल्यू, इसको किस में सेपरेट करना है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में। तो देखिएगा मैं यहाँ पर एक फार्मूला का डेरिवेशन करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट हमारा फार्मूला है ये, ठीक है। देखिएगा आप लोग जानते हैं पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक, ये हम पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे, ठीक है। वी हैव, देखिएगा पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा और वाई इक्वल्स टू देखिएगा आर साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए r और थीटा आ रहा है, तो r और थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिएगा हमने क्या करा, इन दोनों को स्क्वायर कर ऐड कर दिया, इनका स्क्वायर एंड एडिंग। तो अब आप लोग देखिएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, आर स्क्वायर। तो आप लोग देख रहे हैं r की वैल्यू आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है। इसी तरह थीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट करना है, तो स्टूडेंट देखिएगा हमने y अपॉन x फाइंड आउट किया, तो आप देख रहे हैं r साइन थीटा डिवाइडेड बाई r cos थीटा, इससे ये कैंसिल हो गया y अपॉन x, तो कितना बचेगा आपका tan थीटा। तो आप देख रहे हैं थीटा की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा, tan इनवर्स y अपॉन x। तो स्टूडेंट देखिएगा ये तो हमने थीटा फाइंड आउट करा है, और ये क्या फाइंड आउट करा आपने, r, ठीक है। देखिए अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे। देखिएगा नाउ जैसे क्या लिखा हुआ, x प्लस आई वाई, तो आप देखिएगा x आपने किसको कंसीडर किया है, r cos थीटा, और y किसको कंसीडर किया है, r sin थीटा। स्टूडेंट देखिएगा x प्लस आई वाई, अगर r आप कॉमन लेते हैं तो ये cos थीटा प्लस और i sin थीटा ये बचेगा। cos थीटा प्लस i sin थीटा देखिएगा आप लोग जानते हैं ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, r इंटू ई टू पावर आई थ्रीटा के। देखिएगा इसके बाद हमने log कंसीडर कर लिया दोनों तरफ, ठीक ना, बोथ साइड क्या ले लिया, log। तो देखिएगा log की प्रॉपर्टी से मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये आपका एडिशन में आ जाएगा। तो log x प्लस आई वाई इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं log r प्लस log ई टू पावर आई थ्रीटा।
फिर आप लोग देखिएगा log x प्लस आई वाई, ठीक है, और ये देखिएगा log r, log की प्रॉपर्टी से देखिएगा आई थ्रीटा, और log e की वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक। तो स्टूडेंट देखिएगा log x प्लस आई वाई, ठीक है, आप देख रहे हैं ये r, r का वैल्यू हमने ये कैलकुलेट कर रखा है, तो इस r की वैल्यू को आप यहाँ पुट करिएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर में 1/2, log की वैल्यू पुट करा, देख रहे हैं थीटा, थीटा की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर रखा है, देखिएगा कितना है, tan इनवर्स y अपॉन x, ये आ गया। स्टूडेंट आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे पास ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले का डेरिवेशन निकल के आ रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, log की प्रॉपर्टी से log m टू पावर n, इसको आप ये लिख सकते हैं I tan इनवर्स y अपॉन x, ठीक है। तो स्टूडेंट इस फार्मूले को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है हमारा ये, log x प्लस आई वाई किसके इक्वल होता है, 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स y अपॉन x। आर्टिकल के अकॉर्डिंग देखिए इन्होंने क्या कहा था कि इसको सेपरेट करना है रियल एंड इमेजनरी पार्ट में, ये हमारा रियल पार्ट, ये हमारा इमेजनरी पार्ट। आगे देखिए कैपिटल log आ रहा है, तो कैपिटल log मीन्स यहाँ पर क्या होगा, इसका जनरल वैल्यू, ठीक है। तो देखिएगा ऑल्सो अगर हम कैपिटल log फाइंड आउट करते हैं जनरल वैल्यू, तो जनरल वैल्यू आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, 2n पाई आई में प्रिंसिपल वैल्यू को आप ऐड कर दीजिए, ठीक। तो अब आप देख रहे हैं log x प्लस आई वाई, देखिएगा ये प्रिंसिपल वैल्यू आपने कैलकुलेट कर रखा है 2n पाई आई 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इस वैल्यू को हमने यहाँ पुट किया आई टेन इनवर्स y अपॉन x, ठीक। फिर आप देखिएगा log x प्लस आई वाई, ठीक है, रियल पार्ट देखिएगा, ये हमारा रियल पार्ट आपका ये आ रहा है 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखिए इमेजनरी पार्ट में आपका ना i कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा 2n पाई tan इनवर्स y अपॉन x, ये वैल्यू आपका आ गया। तो स्टूडेंट देखिएगा जनरल वैल्यू, तो जनरल वैल्यू के लिए हमारे पास ये वैल्यू निकल कर आया है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट तो हमारा ये है, इसको याद रखना है आपको, और उसके बाद क्या कहते हैं, जैसे जनरल वैल्यू, ये जनरल वैल्यू निकल कर आ रहा है, जनरल वैल्यू कैसे निकाला, 2n पाई में हमने प्रिंसिपल वैल्यू को ऐड कर दिया, इसमें देखो कह रहे थे आर्टिकल में रियल इमेजनरी पार्ट को सेपरेट करना, ये रियल पार्ट है, ये आपका क्या है, इमेजनरी पार्ट। तो स्टूडेंट देखिएगा इसी तरह से ये तो प्लस में आ रहा है, अगर आपको सपोज log प्लस i के प्लेस पर क्या आ जाता, अगर आता है माइनस i, तो उस केस में स्टूडेंट देखिएगा 1/2 log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये प्लस i आ रहा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस i tan इनवर्स y अपॉन x, ठीक। तो स्टूडेंट देखिएगा ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इनको आपको लर्न रखना है, इनको याद रखना है, तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक। चलिए अब हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, देखिए स्टूडेंट अब हम कुछ इन फार्मूलों पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है प्रूव दैट आपको कैपिटल log, कैपिटल log मींस मतलब जनरल वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, माइनस फाइव, देख रहे हैं माइनस फाइव लोगार्थम क्या है, नेगेटिव क्वांटिटी, हम नेगेटिव क्वांटिटी का लोगार्थम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। अगला पार्ट है हमारा फाइंड द जनरल वैल्यू, इसके ना जनरल वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, जनरल मींस मतलब कैपिटल log आपको फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट देखिएगा इसका सॉल्यूशन, जैसे फर्स्ट पार्ट आपसे ये फर्स्ट पार्ट क्या प्रूफ करना है, माइनस फाइव का नेगेटिव क्वांटिटी का लोगार्थम पूछा है। तो स्टूडेंट देखिएगा जैसे माइनस फाइव है, इसको लेकर चलते हैं, माइनस फाइव को हम फाइव इंटू क्या लिख सकते हैं, माइनस वन, फिर आप देखिएगा माइनस फाइव, अब ये माइनस वन है, तो माइनस वन को आप लिख सकते हैं कॉस पाई प्लस आई साइन पाई, ठीक है, कॉस 180 क्या होता है हमारा, माइनस वन, और साइन 180 क्या होता है, जीरो, तो माइनस वन को मैंने कॉस पाई प्लस आई साइन पाई लिखा है, ठीक है। अब देखिएगा ये हमारा फॉर्मूला होता है e टू पावर आई थ्रीटा कॉस थ्रीटा प्लस आई साइन थ्रीटा, तो देखिएगा कॉस थ्रीटा प्लस आई साइन थ्रीटा ये फॉर्मूला यहाँ पर आपका बन रहा है, तो माइनस फाइव फाइव इंटू इसे हम क्या लिख सकते हैं, e टू पावर आई पाई, ये हमने लिख लिया। अब कैपिटल log फाइंड आउट करने के लिए पहले आपको प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो देखिएगा अब आपने यहाँ पर क्या लिया, स्मॉल log, तो देखिएगा ये हमने log कंसीडर कर लिया, प्रिंसिपल वैल्यू कंसीडर कर ली है, ठीक। तो
तो आप देखिएगा log माइनस फाइव, log की प्रॉपर्टी से इसे आप log फाइव मल्टीप्लिकेशन में है तो एडिशन में आ जाएगा, log की प्रॉपर्टी का आपने यूज़ किया, ठीक है। आगे देखिएगा log माइनस फाइव, तो स्टूडेंट देखिएगा log फाइव इसे हम क्या लिख सकते हैं, आई पाई, log e की वैल्यू कितना होता है, वन होता है, ये क्या है हमारा e लिखा हुआ है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, log n log m i पाई, log e की वैल्यू क्या आएगा, वन आएगा। तो स्टूडेंट देखिएगा ये तो हमने भाई प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, लेकिन आपको क्या फाइंड आउट करना है, कैपिटल log, कैपिटल log मीन्स क्या, जनरल वैल्यू। तो देखिएगा log माइनस फाइव मतलब जनरल वैल्यू आप मीन्स जनरल वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे 2n पाई में प्रिंसिपल वैल्यूज़ को आप ऐड कर देंगे। प्रिंसिपल वैल्यू देखिएगा ये है आपके पास, तो log माइनस फाइव इक्वल्स टू 2n पाई आई प्लस, देखिएगा ये वैल्यू कितना है आपका, log फाइव प्लस आई पाई, ठीक है। थोड़ा सा और कैलकुलेशन करते हैं, log माइनस फाइव तो आप देख रहे हैं ये कितना आ गया, log 5 और i आपने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो आप देख रहे हैं 2n पाई प्लस पाई और i, ठीक है। तो ये स्टूडेंट देखिएगा मेथड होता है अगर किसी नेगेटिव क्वांटिटी का आपको लॉगरिथम फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट देखिएगा ये हमारा इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, आप यहाँ समझिएगा आपसे क्या करें, फाइंड द जनरल वैल्यू, जनरल वैल्यू फाइंड आउट करना है किसका, लॉग रूट आई, रूट आई का जनरल वैल्यू मतलब कैपिटल लॉग आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखिएगा पहले तो स्टूडेंट ये आई लिखा हुआ, क्या इस आई को आप इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई टू प्लस आई साइन पाई बाई टू, ठीक है, ये तो हमारा फार्मूला है। तो देखिएगा कॉस 90 जीरो होता है, साइन 90 कितना होता है, वन होता है, वन के आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आएगा, तो इस आई को मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। स्टूडेंट देखिएगा इसी फॉर्मे का यूज़ कर दीजिएगा आप यहाँ पर, आई इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई टू पावर आई पाई बाई टू, ठीक है। अब देखिएगा ये स्क्वायर रूट में आ रहा, तो स्क्वायर रूट ले लीजिएगा इधर, स्क्वायर रूट मतलब मीन्स पावर हाफ, ठीक है, तो ये पावर हाफ आपने ये ले लिया, ठीक। तो अब आप देखिएगा रूट आई, इसको अगर आप लिखते हैं ई टू पावर आई पाई बाई फोर, ये आ जाएगा। अब बोथ साइड लॉगार्थम आप कंसीडर कर लीजिए, तो देखिएगा स्टूडेंट log e टू पावर i पाई बाई फोर ये हमने कंसीडर किया, फिर अब देखो log रूट i, अब देखिएगा log की प्रॉपर्टी से इसे क्या लिख सकते हैं हम, i पाई बाई फोर, ठीक है, और log e आएगा, log e की वैल्यू कितना होता है, वन होता है, तो log स्क्वायर रूट i की वैल्यू हमने ये फाइंड आउट कर लिया, क्या निकल के आ रहा, i पाई बाई फोर। तो लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है, जनरल वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आप देखिएगा जनरल मीन्स कैपिटल लॉग, तो क्या करेंगे आप 2n पाई आई में प्रिंसिपल वैल्यू को ऐड कर देंगे। तो ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है, देखिएगा ये जो हमने फाइंड आउट किया है, तो आप देख रहे हैं 2n पाई ये प्रिंसिपल वैल्यू आप यहाँ ऐड कर दीजिए i पाई बाई फोर। तो अब आप लोग देखिएगा लॉग रूट आई और आई आपने ये कॉमन लिया 2n पाई प्लस पाई बाई फोर, ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। देखिएगा स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ये आपको प्रूफ करके लाना है, आई लॉग एक्स माइनस आई वाई, एक्स माइनस आई अपॉन एक्स प्लस आई इक्वल्स टू पाई माइनस टू टेन इनवर्स एक्स, ठीक है स्टूडेंट। देखिएगा इसका सॉल्यूशन हम करते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड हमने कंसिडर किया, आई लॉग देखिएगा x माइनस आई अपॉन एक्स प्लस आई, ठीक। तो देखिएगा log की प्रॉपर्टी आप यहाँ यूज़ कर दीजिएगा, log की प्रॉपर्टी क्या, देखिए log m अपॉन n क्या लिख सकते हैं, log m और माइनस log n, ठीक है, हमने यहाँ log m अपॉन n, log m माइनस log n का प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। अब स्टूडेंट देखिएगा हमने फार्मूलों का डेरिवेशंस बताया था आपको, देखिएगा एक फार्मूला हमारा ये था log x प्लस आई वाई, ठीक है ना, किसके इक्वल था, वन अपॉन टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये याद रखना है आपको, मैंने कहा था भाई इसको याद रखिएगा क्वेश्चंस में यूज़ होगा। और स्टूडेंट देखिएगा अगर प्लस आई के प्लेस पर अगर माइनस आई आता है तो वन अपॉन टू एक तरह का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आ गया है इसका, तो यहाँ माइनस आ जाएगा आई टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो स्टूडेंट देखिएगा इन फॉर्मुलों का यूज़ होगा यहाँ पर, कैसे देखिएगा,
जैसे लिखा है माइनस आ रहा, तो x के प्लेस पर x है यहाँ, और कंपेयर करो i का कोफिशेंट कितना 1, तो यहाँ i का कोफिशेंट कितना y, तो y के प्लेस पर 1 हो गया। इसी तरह यहाँ देखिएगा, इससे कंपेयर करेंगे x के प्लेस पर x है, i का कोफिशेंट कितना 1, तो यहाँ i का कोफिशेंट क्या y, तो कहने का मतलब यहाँ y की वैल्यू 1 है, यहाँ पर भी y की वैल्यू 1 है। तो इन फॉर्मूलों का यूज़ आप यहाँ करिएगा, ठीक है। तो देखिएगा इन फॉर्मूलों का यूज़ करते हैं हम, तो 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस आई टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसमें यूज़ करिएगा -1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये देख रहे हैं प्लस, बाहर माइनस चल रहा तो वैसे तो प्लस ही आएगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस, माइनस आई टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ये वैल्यू आ गया। आप ये देखिएगा इससे इससे ये कैंसिल, ठीक। तो आई माइनस आई इसको ऐड करेंगे तो -2i और tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स, आई के आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आई स्क्वायर मीन्स -1 माइनस माइनस प्लस। तो स्टूडेंट देखिएगा ये आपका आ जाएगा 2 tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स, लेकिन आप देख रहे हैं ये प्रूफ हमारा नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम एक ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का हमारा फार्मूला होता है उसका यूज़ करेंगे। आप लोग जानते हैं tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज़ आप यहाँ पर करेंगे, ये जो हमारा फार्मूला है। तो अगर हम tan इनवर्स एक्स की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो आप लोग देखिएगा क्या निकल कर आएगा, पाई बाई टू माइनस आप देखिएगा cot इनवर्स 1 अपॉन एक्स, ठीक। 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा, देखा कितना गया पाई माइनस 2 और cot इनवर्स 1 अपॉन एक्स। इसी तरह स्टूडेंट देखिएगा एक फार्मूला और होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, tan इनवर्स x इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं, cot इनवर्स 1 अपॉन एक्स। तो इस सेकंड फार्मूले का यूज़ आप कर लीजिएगा, कहाँ यूज़ करेंगे, यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, देखिएगा यही तो प्रूफ आ रहा है, बस हो गया। हाँ स्टूडेंट देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, u इक्वल्स टू log 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 प्रूफ दैट, ये दो रिलेशन आपको यहाँ प्रूफ करके लाना है। चलिए आगे, चलिए आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिएगा फर्स्टली आपको यहाँ गिविन क्या है वो लिख लीजिएगा, u इक्वल्स टू आपको गिविन है log 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा अपॉन 2। अब आप लोग देखिए फर्स्ट प्रूफ को देखिएगा, फर्स्ट प्रूफ हमारा tan हाइपरबोलिक u y 2 आ रहा है, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, इस log यहाँ से ना tan की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इसको लिख सकते हैं e^u। तो देखिएगा आप क्या आ जाएगा, ये tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, ठीक। फिर अब आप देखिएगा e^u tan a प्लस b का फार्मूला यूज़ कर दीजिएगा, tan a और प्लस का आप देखिएगा tan b अपॉन 1 माइनस आप देखिएगा tan a और tan v, ठीक। इस फॉर्मूले का हमने यूज़ किया। अब जैसे प्रूफ को देखो, ये यू वाई टू आ रहा है आपके पास, तो यू है तो इसको हमने ब्रेक कर लिया, ई टू पावर यू वाई टू अपॉन ई टू पावर माइनस यू वाई टू, इस तरह से ब्रेक कर लिया। टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 प्लस टेन थ्रीटा वाई टू, ठीक है। इसी तरह से देखिएगा 1 माइनस टेन 45 कितना होता है, 1 होता है, ठीक। तो अब आप स्टूडेंट देखिएगा यहाँ पर एक हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, रेशियो की प्रॉपर्टी होती है हमारी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। देखिएगा ये प्रॉपर्टी होता है, इधर लिख दे रहा हूँ, जैसे कोई क्वांटिटी आपको इस फॉर्म में दे रखा है a अपॉन v इक्वल्स टू c अपॉन d, तो आप ना इसको इस तरह से लिख सकते हैं a अपॉन v, a प्लस v अपॉन a माइनस v और c प्लस d अपॉन c माइनस d। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। आप कंपेयर करके देखिएगा, जैसे a अपॉन v इक्वल्स टू c अपॉन d, आपका ये a है, ये b, ये c, ये d, तो इस प्रॉपर्टी का आप यूज़ करिएगा। तो देखिएगा हम यहाँ यूज़ करते हैं ऑन यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो और डिविडेंडो का आप यहाँ यूज़ कर रहे हैं, a अपॉन v इक्वल्स टू c अपॉन d। तो देखो e टू पावर यू वाई टू, e टू पावर माइनस यू वाई टू, ठीक ना, इस तरह से यूज़ करो, e टू पावर यू वाई टू माइनस e टू पावर माइनस यू वाई टू, सी अपॉन डी, तो c प्लस डी, तो 1 प्लस देखिएगा tan थ्रीटा वाई टू, 1 माइनस tan थ्रीटा वाई टू, c प्लस डी, और अपॉन में क्या आएगा, c माइनस डी, तो c माइनस डी करिएगा माइनस 1 माइनस माइनस आपका ये प्लस, ये आ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिएगा 1 से 1 आपका कैंसिल, tan थीटा बाई 2 से tan थीटा बाई 2 कैंसिल। तो स्टूडेंट देखिएगा ये किसका फार्मूला है, बन रहा है हमारे पास cot हाइपरबोलिक का।
देखिए, अगर आप लोगों को याद नहीं है तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, कॉट हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है, ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस एक्स अपॉन ई टू पावर एक्स ई टू पावर माइनस एक्स। अगर आप यहाँ से टेन हाइपरबोलिक एक्स कैलकुलेट करते हैं तो ई टू पावर एक्स ई टू पावर माइनस एक्स अपॉन ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस एक्स। तो आप देखिएगा ये प्लस ये माइनस, ये कॉट हाइपरबोलिक का फॉर्मूला बन रहा है। तो इसको ना आप क्या लिख सकते हैं, कॉट हाइपरबोलिक यू वाई टू। आप देखिएगा इधर क्या हो जाएगा, वन एंड वन टू, और इसको क्या लिख सकते हैं आप, टू टेन थ्रीटा वाई टू। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। कॉट को आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, वन अपॉन टेन हाइपरबोलिक यू वाई टू। ठीक है, टू से टू कैंसिल, तो वन अपॉन टेन हाइपरबोलिक थीटा वाई टू ही आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आप। ठीक है, देखिएगा हमारा ये फर्स्ट प्रूफ आ रहा है, टेन हाइपरबोलिक यू वाई टू। ठीक है, इक्वल्स टू देखिएगा क्या आ रहा है, टेन थीटा वाई टू। स्टूडेंट देख रहे हैं ये फर्स्ट प्रूफ आपने प्रूफ ये फर्स्ट प्रूफ आ चुका है आपका, इसे ना फर्स्ट इक्वेशन कह दीजिएगा। ठीक, ये हमारा फर्स्ट प्रूफ आ गया है। अब सेकंड प्रूफ में आप स्टूडेंट देखिएगा ये किसकी वैल्यू ये फाइंड आउट करने के लिए कह रहे हैं, थ्रीटा। इसी की हम हेल्प करते हैं, इसी की हेल्प लेते हैं सेकंड प्रूफ के लिए। ठीक है, इसी इक्वेशन को लेते हैं। देखिएगा वो आप लीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड को कंसीडर करते हैं तो देखिएगा टेन थ्रीटा वाई टू, इसको आप क्या लिख सकते हैं, टेन हाइपरबोलिक यू वाई टू। हाँ स्टूडेंट, यहाँ देखिएगा थ्रीटा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, तो ये कुछ फॉर्मूले और हैं हमारे पास। देखिएगा टेन थ्रीटा, ठीक है, वैसे मैंने इन सभी फार्मूलों का डेरिवेशंस कर रखा है। आप ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर हमारा देखिएगा, हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, तो उसमें इन सभी फार्मूलों का हमने डेरिवेशंस कर रखा है। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखा है तो आप उस लेक्चर्स को देखेंगे, सभी फार्मूलों का डेरिवेशंस आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास टेन थ्रीटा का फार्मूला होता है। ठीक है, टेन थ्रीटा स्टूडेंट, इसी तरह से एक रिलेशन हमारे पास यह है कि टेन आई थ्रीटा इक्वल्स टू क्या होता है, आई टेन हाइपरबोलिक थ्रीटा। अगर हम टेन हाइपरबोलिक थ्रीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वन अपॉन आई टेन आई थ्रीटा। तो इन फॉर्मूलोस का आप यहाँ यूज़ करिए। ठीक है, कहाँ यूज़ करना है देखिएगा, जैसे टेन थ्रीटा वाई टू लिखा है, देखो ये थ्रीटा लिखा हुआ है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं हम, ई टू पावर आई थ्रीटा वाई टू माइनस ई टू पावर माइनस आई थ्रीटा वाई टू। ठीक, आई फिर देखो ई टू पावर आई थ्रीटा वाई टू और प्लस ई टू पावर माइनस आई थ्रीटा वाई टू, ये आ जाएगा। अब देखिएगा टेन हाइपरबोलिक दिख रहे हैं, टेन हाइपरबोलिक थ्रीटा, थ्रीटा के प्लेस पर क्या है, यू वाई टू, तो फिर अपना वही वन अपॉन आई टेन आई थ्रीटा, तो थ्रीटा आपका ये आ गया। दिख रहे हैं आई से आई कैंसिल। अब इसका ना रेसिप्रोकल कर देते हैं हम, तो देखिएगा ई टू पावर आई थ्रीटा वाई टू प्लस ई टू पावर माइनस आई थ्रीटा वाई टू। ठीक ना, इसका रेसिप्रोकल हम कर रहे हैं, ई टू पावर आई थ्रीटा वाई टू ई टू पावर माइनस आई थ्रीटा वाई टू, इसका भी रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, तो वन अपॉन टेन देखिएगा आई यू वाई टू। ठीक, अब आपको ना थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना, फिर वही अभी मैंने जैसे यहाँ कंपाउंड डिविडेंड होगा यूज़ करा था, देखो ए अपॉन वी इक्वल्स टू सी अपॉन डी, ये प्रॉपर्टीज़ बन रही है, तो यूज़ करिएगा ऑन यूजिंग कंपाउंडेंडो एंड डिविडेंडो। तो आप यहाँ कंपाउंडेंडो एंड डिविडेंडो का यूज़ करिएगा। ठीक है, देखो ए अपॉन वी इक्वल्स टू सी अपॉन डी, तो कंपाउंडेंडो डिविडेंडो का हम यूज़ कर रहे हैं ए प्लस वी। ठीक है, तो a प्लस वी अपॉन में देखिएगा a माइनस वी, तो a माइनस वी का हमने यूज़ किया। ठीक है, माइनस माइनस देखिएगा क्या हो जाएगा, प्लस ई टू पावर माइनस आई थ्रीटा वाई टू, तो आप देख रहे हैं वन प्लस टेन आई यू वाई टू और अपॉन में वन माइनस टेन आई यू अपॉन टू। ठीक है, तो अब आप लोग देखिएगा ये टर्म कैंसिल, इसी तरह से ये टर्म आपका ये टर्म कैंसिल। हाँ देखिएगा स्टूडेंट, अब इन दोनों क्वांटिटीज़ को अगर हम ऐड करते हैं तो ट्वाइस इधर देखिएगा क्या बचेगा, ई टू पावर आई थ्रीटा वाई टू, इसी तरह डिनोमेटर में देखिएगा ट्वाइस ई टू पावर माइनस आई थ्रीटा वाई टू। अब देखिएगा स्टूडेंट, ये हमारा जैसे वन लिखा हुआ है, वन को आप क्या लिख सकते हैं, टेन फोर्टी फाइव और प्लस फिर आप देखिएगा टेन आई यू वाई टू, वन माइनस फिर आप देखिएगा टेन फोर्टी फाइव
और आपका टेन आई यू वाई टू, इस टर्म से ये टर्म कैंसिल। इस माइनस को ना ऊपर लेके जाइएगा, थ्रीटा बाई टू, थ्रीटा बाई टू, इसको ऐड करेंगे तो ई टू पावर आई थ्रीटा, ये हमारा टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक, ये आ गया। दोनों तरफ अब देखिएगा लॉग कंसीडर कर लीजिएगा, लॉग ई टू पावर आई थ्रीटा। स्टूडेंट देखिएगा लॉग हमने कंसीडर किया तो आप देख रहे हैं टेन पाई बाई फोर प्लस आई यू वाई टू। ठीक, लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करिएगा, लॉग एम टू पावर एन, एन एन लॉग एम, लॉग ई आएगा, लॉग ई की वैल्यू क्या होता है, वन होता है। तो आप लोग देखिएगा लॉग टेन पाई बाई फोर प्लस आई यू वाई टू, आपको देखिए सेकंड प्रूफ में किसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, थ्रीटा। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं वन अपॉन आई लॉग, ठीक है, टेन पाई बाई फोर प्लस आई यू वाई टू। अब आप लोग जरा ये देखिएगा, आई ऊपर आ रहा है तो हमने क्या करा, आई से मल्टीप्लाई, आई से डिवाइड। आई स्क्वायर मीन्स क्या होता है, माइनस वन। तो स्टूडेंट देखिएगा ये हमारा प्रूफ आ गया, माइनस आई लॉग टेन पाई बाई फोर प्लस आई यू वाई टू। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिएगा आपको क्या कैलकुलेट करना था, थ्रीटा। तो थ्रीटा की वैल्यू को हमने कैलकुलेट कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये। सो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आज जो मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया है लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का, उसमें हमने कुछ फॉर्मूला का डेरिवेशंस किया है और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आज आपको डिस्कस किए हैं, वो आपको समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, इसको लाइक करिएगा, इस पर कमेंट्स करिएगा। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और स्टूडेंट अगर आप लोगों ने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिएगा, उससे ये होता है कि जैसे लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।